जी कैलाश खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, मैंने बहुत ही माफी के साथ आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कैलाश जी, आपको मेरी आवाज़ पिछले ही वर्ष हम लोगों का एक साथ में एक रिकॉर्ड आया है, एक गाना रिलीज हुआ है जो कि पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने रिलीज किया था। उन्होंने एक रिकॉर्ड कंपनी भी शुरू की थी उसके साथ ही, और लता जी, श्री अमिताभ बच्चन और हम उसमें साथ में गा रहे हैं। ये कुदरत का देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद एक तरह से मैं कहूँगा कि जब भी हम लता जी को मिले, उनके साथ कोई भी कार्य किया, उनसे मैसेज पे बात हुई, तो वो न केवल एक गायिका मात्र थी परंतु सौम्यता, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, हम क्योंकि इसी फील्ड में हैं, इस फील्ड को बदलते हुए देख भी रहे हैं। हम तो कुल 16 साल के करियर में बहुत लोग मिलते हैं जो लता जी को आदर्श तो बताते हैं परंतु उनकी जो तरीके थे, किस ढंग से वो रहते थे, उनके व्यक्तित्व से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं कहता हूँ ये एक भारत के एक समझ लीजिए ऐसे स्वर्णिम युग का एक अंत हुआ है संगीत में, परंतु इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि वो इतना बांट गई हैं, इतनी ज्योतिर्मय कर दिया मेरे भारत को उन्होंने कि ईश्वर ने चाहा तो अब आप समझिए युगों युगों तक जब तक इंसान जिंदा रहेगा इस धरती पर तब तक लता जी की प्रेरणाएं उनको मिलती रहेंगी संगीत के रूप में। जी कैलाश जी, जो आखिरी आप रिकॉर्डिंग का जो जिक्र कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी जिसका मुखड़ा है आपके, अगर आप इसके बोल गुनगुनाएंगे तो ये भी लता जी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। हाँ साहब, अभी मैं गुनगुना नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उसकी ट्यून भी याद नहीं है और ऐसे मौके में गुनगुनाने का मन नहीं है। अभी एक दो दिन जाने दीजिए, फिर प्रॉपरली कर लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।